हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत राज्यों से संबंधित यानी कि राज्यों से बनने वाले क्वेश्चंस के विषय में। फ्रेंड्स, यदि आपने पहले के कुछ नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ की प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, ये आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नेक्स्ट कुछ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? आपके ऑप्शन है अरावली, अजंता, सतपुड़ा श्रृंखला, सह्याद्री। तो आपको बताना है कि किस पर्वत का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, अजंता। यानी कि अजंता जो पर्वत है उसका विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है और यह महाराष्ट्र के पठार की छोटी इकाइयों में से एक है, यानी कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 200 से 300 मीटर तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है शैडल चोटी, थ्विलर पर्वत, दियावोलो पर्वत, कोयाले पर्वत। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, सैडल चोटी या सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी है। और इसकी ऊँचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊँचाई है 732 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में, मखदूम उत्तर प्रदेश में, हिसार हरियाणा में, अंबिकानगर राजस्थान में। तो आपको बताना है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, मखदूम उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में फराह कस्बे के निकट मखदूम नामक गांव में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम, इन ऑप्शंस की अगर बात करें तो इन ऑप्शंस में से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है मदुरै तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तरांचल, अलवर राजस्थान। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मदुरै स्थित है आपका तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। और हरिद्वार स्थित है उत्तरांचल में, ये भी सही है। अलवर स्थित है राजस्थान में, ये भी सही सुमेलित है। और आपका झांसी स्थित है उत्तर प्रदेश में, और झांसी की का बॉर्डर जो है वो मध्य प्रदेश से लगता है, यानी कि झांसी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है बल्कि इसका बॉर्डर मध्य प्रदेश से टच करता है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन सही होना चाहिए सेकंड, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ली कॉर्बूजियर था एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी, चित्रकार, संगीतकार, खोजकर्ता। तो आपको बताना है ली कॉर्बूजियर क्या था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, वास्तुशिल्पी। यानी कि ली कॉर्बूजियर एक वास्तुशिल्पी था जिसने कि चंडीगढ़ जो कि पंजाब में स्थित है उसकी वास्तुकला का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? आपके ऑप्शन है गिरनार हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, बी और सी दोनों। आपको बताना है कि कौन मेघालय में स्थित है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स दोनों स्थित हैं मेघालय में। और अगर हम गिरनार पहाड़ियों की बात करें तो गिरनार पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं गुजरात राज्य के जूनागढ़ ज़िले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा है? NH-22,
NH7, NH36, NH42। तो आपको बताना है कि शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है वो कौन सा राजमार्ग है। चलिए देखते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, NH22, यानी कि नेशनल हाईवे 22 शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय मार्ग है जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। आपके ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है। मेघालय, शिलांग, मणिपुर, इम्फॉल, मिजोरम, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए देखते हैं, मेघालय की राजधानी है शिलांग, यह सही सुमेलित है यानी कि युग्म सही है। मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल और इसमें दिया है ईटानगर, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो यही ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के क्विज़ का वीडियो। फ्रेंड्स, आपके कितने आंसर करेक्ट निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्विज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।